आखिर गलवान की घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए तो चीनी सेना के कितने सैनिक मारे गए, ये अब तक एक पहेली बनी हुई है। मगर आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कितना कायर और लोकतंत्र विहीन देश है, जो अपने मृत सैनिकों की संख्या अपने देश के ही लोगों को नहीं बता पा रहा है। मगर इसको लेकर कयासों का दौर अभी भी जारी है। कुछ दिनों पहले चीनी सोशल मीडिया पर 56 चीनी सैनिकों के मारे जाने की लिस्ट वायरल हो रही थी और चीनी लोग सोशल मीडिया पर अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। एक अन्य खबर के मुताबिक ये भी कहा गया था कि चीन के 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अब जो खबर आई है उससे ये दावा सही लगता है कि चीन के 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और इसे चीन सरकार के एक नेता ने ही कबूल किया है। दरअसल लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ उलझना चीन की कम्युनिस्ट सरकार के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। कर्नल संतोष बाबू समेत भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। भारत ने इसकी पुष्टि की और पूरे देश ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं चीन ने अभी तक अपने मृत सैनिकों का आंकड़ा नहीं जारी किया है। इसी बीच चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP के एक पूर्व नेता के बेटे यांग जिनाली ने दावा किया है कि गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों 100 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन चीन सरकार जानबूझकर आंकड़ा नहीं जारी कर रही है। यांग ने कहा कि अगर बताया तो चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग के लिए ही मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। जिनाली ने लिखा कि लंबे समय से PLA यानी चीनी सेना चीन की सत्ता का मुख्य हिस्सा रही है। अगर देश की सेवा में कार्यरत PLA कैडर की भावनाएं आहत होती हैं तो ये रिटायर्ड सैनिकों के साथ मिलकर देश की सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेगी। वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि बीजिंग को डर है कि अगर वह ये मान लेता है कि भारत से ज़्यादा उसके अपने सैनिक मारे गए थे तो देश में अशांति फैल सकती है और CCP की सत्ता भी दांव पर लग सकती है। उन्होंने कहा कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान से जब पूछा गया कि इस झड़प में कितने सैनिक मारे गए तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस बारे में उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है। अगले दिन जब उनसे भारतीय मीडिया की खबरों का हवाला दिया जिसमें चीन के 40 से ज़्यादा सैनिकों के मारे जाने की बात थी तो उन्होंने इसे गलत सूचना करार दे दिया। कम्युनिस्ट सरकार के सैनिकों के प्रति इस बर्ताव ने चीनी सेना के 50 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को बहुत आहत किया है और सरकार के खिलाफ उनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यांग जिलानी के दावे पर अभी तक चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन गलवान घाटी में चीनी सेना को भयंकर नुकसान हुआ है ये तो तय है।